दोस्तों काफी टाइम से जब ये डीजो वायरलेस मेरे पास आया था, मैं सोच रहा था कि डिटेल्स वीडियो देने के लिए, जो कि आपको पता है कि बॉक्स के बैक साइड में एक लिखा हुआ है वर्क विथ रियलमी लिंक, जो कि एक एप्लीकेशन है जो कि आपको काफी एंटरटेनमेंट देता है अगर आप ये वाला फीचर्स आप यूज करते हो इस एप्लीकेशन के साथ। अगर ये डीजो वायरलेस को कनेक्ट करते हो रियलमी लिंक में, आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाता है, उसके ऊपर आज का वीडियो है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका दोनों डिवाइस आपके पास है, जैसे आप लैपटॉप पे यूज कर रहे हो, साथ ही साथ आपके स्मार्टफोन पे कनेक्ट है, तो आप बार बार कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ दोनों के अंदर पेयर होकर रहेगा, जब भी जिसको यूज करना सिंगल टैप पे यूज हो जाएगा। काफी बढ़िया फीचर्स है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रखा हूँ मेरा माइक्रोमैक्स इन वन डिवाइस है, तो इसके साथ मैंने कनेक्ट करूंगा मेरा डीजो वायरलेस को, जो कि साथ ही साथ मैं यहाँ पर मैंने अपने लैपटॉप के अंदर, मैं यहाँ पर देखो जो भी दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर माउस कनेक्ट है, वन प्लस वायरलेस जेड है, पैटर्न बस जेड है, तो ये जो डिटेल्स है इसके साथ मैं डीजो वायरलेस को भी कनेक्ट करूंगा। सबसे पहले मैं अपने माइक्रोमैक्स इन वन डिवाइस के अंदर कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा, फिर उसके बाद स्विफ्ट करूंगा, फिर दोबारा बाद आपको रियलमी लिंक वाले डिटेल्स बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करिए। जब भी आप यूज करो तो आप चेक कर लेना, आप पे बैटरी वगैरह तो आपको पता ही है कहाँ पे इंडिकेट करता रहता है जब आप चार्जिंग रहता है या चार्जिंग होते टाइम, ठीक है। ये थ्री बटन पे इसी पे ही वर्क है, सब कुछ बढ़िया। ये मिडिल बटन और प्लस बटन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बटन और वॉल्यूम डाउन बटन, तो ये जो दोनों बर्ड्स को आपको अलग करके रखना है, अगर ये दोनों भाई इकट्ठा रहेंगे तो भाई काम नहीं हो पाएगा, इसको हम अलग करना पड़ेगा, ठीक है। अलग करके इसको साइड कर दीजिए, और साथ ही साथ सिंपल मैं सबसे पहले पैर करूंगा मैं अपने माइक्रोमैक्स इन वन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर सिंपल पैर न्यू डिवाइस करूंगा तो यहाँ पर डीजो वाले शो हो रहा है यहाँ पर, तो सिंगल टैप करूंगा तो ये जो है कनेक्ट हो जाएगा एक ही बार में। देखो पैड ऑप्शन आ गया, अलाउ, ठीक है। यहां मैं चाहता हूं मैं अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करूं, तो लैपटॉप पे यहां पर सिंपल इस बीच में ओके करना है, ओके करके ब्लूटूथ डिवाइस को सर्च करेगा। यह तब तक शो नहीं होगा जब तक यहां पर मैं यहां पर इसको ऑफ नहीं करूंगा, ऑलरेडी एक डिवाइस के साथ कनेक्ट है, तो आपको यहां पर स्विफ्ट करना पड़ेगा। एक बटन दे रखा है मिडिल वाला, तो सिंपल आपको यहां पर दोनों को, दोनों बर्ड्स को अलग करना है, जैसे बताया था कि दोनों भाई को अलग करना है। अगर कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर हट जाएगा, यहाँ रहते हुए आप स्विफ्ट करना है, बार बार इसको ओपन नहीं करना है। इसको मैं अलग रखा, और ये वाला जो बटन है मिडिल पोर्शन में, इसको यहाँ पर देखिए, इसको मैं दबाते टाइम ही आपको यहाँ पर मेरे लैपटॉप पे देखिए यहाँ पर सिर्फ इन वन आ रहा है, लेकिन डीजो वायरलेस शो नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो फाइंड कर रहा है ब्लूटूथ डिवाइस को। तो ये वाला जो बटन है आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये वाला जो बटन है इसको मैं प्रेस करके रखूंगा, ठीक है। जैसे प्रेस करके रखूंगा तो मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिक इसके अंदर से हट गया है, हटने के बाद आपको चला गया है वहां पर शो हो गया, देखिए डीजो वायरलेस यहाँ पर शो हो गया, और यहाँ पर डीजो वायरलेस कनेक्टेड है बट यहाँ पर स्लिप मोड में चला गया जो कि माइक्रोमैक्स इन वन के अंदर, और यहाँ पर आ गया, सिंपल क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये डीजो वायरलेस जो है कनेक्टेड हो गया है। देखो यहाँ पे कनेक्ट हो गया, वॉइस और म्यूजिक आप यहाँ से सुन सकते हो, जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगा, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा भी दूंगा आपको, ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया कनेक्टेड वॉइस और म्यूजिक, ठीक है। तो इस स्टेज पे रहते हुए अगर मैं यहाँ पे माइक्रोमैक्स डिवाइस को देखने जाता हूँ, तो सिंपल आपको यहाँ पर इस डिवाइस के अंदर स्लिप मोड में वहां पर कनेक्टेड है, ठीक है। सिंपल मैं वही सेम करूंगा, इसको अगर प्रेस करता हूँ यहाँ पर, वो जो डिवाइस है जो ये वाला मिडिल वाला बटन जो है इसको मैं प्रेस करके रखूंगा, मेरा जो वायरलेस है वहां पर वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, देखो वहां से डिस्कनेक्ट हो गया, बट यहाँ पर सीन जो है पैड होके रखा हुआ है, तो पैर होके रहेगा, तो नेक्स्ट टाइम में जब आऊंगा यहाँ पर स्विफ्ट करूंगा तो वहां पर ऑटोमेटिक सिंगल क्लिक करते ही ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। तो इस बीच में यहाँ पर आपको एक बार टैप करना पड़ेगा, जैसे टैप करोगे तो आपका जो डीजो वायरलेस अपने डिवाइस के अंदर कनेक्ट हो गया, तो ऐसे आपको दोनों डिवाइस के अंदर एक ही साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब जो है मैं आपको बताऊंगा रियलमी जो लिंक है उसके बारे में। यहाँ पर डीजो वायरलेस है, इसको मैंने पहले सबसे पहले आपको पैर करके कनेक्ट करना है, उसके बाद आपने गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, रियलमी लिंक वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर देखो कनेक्ट हो गया, जैसे मैं वहां से कनेक्ट हुआ ऑटोमेटिक एप्लीकेशन के अंदर कनेक्ट हो जाएगा। सिंगल टैप करना है, अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो आपके लिए ये वाला फीचर्स काफी जानना जरूरी है।
यहाँ पर बैटरी के यानी कि आपको डीजे वायरलेस के बारे में सब कुछ अपने फोन के अंदर एप्लीकेशन के थ्रू पता चल जाएगा। ये काफी अच्छा फीचर्स है डीजे वायरलेस के अंदर। सिंपल आपको थ्री डॉट पे टैप करोगे तो यहाँ पर अपडेट वगैरह ऑप्शन आता है, और यहाँ पर ऑन पेयर करोगे तो यहाँ से एकदम से हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आता है साउंड इफेक्ट आपको कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर बास बूस्ट जो कि प्लस आता है, डायनामिक है, ब्राइट है। अब जैसे ही आपको कर सकते हो वॉल्यूम एनहांसमेंट कर सकते हो, जो भी फीचर्स आपको लेना है। ऑप्शन आता है मोड, ऑप्शन में गेमिंग मोड ऑप्शन आता है, इसको इनेबल करके आप गेमिंग करोगे उस टाइम आपका जो लाइव का वॉइस जो है सिंक्रोनाइज जो है लेटेंसी काफी बढ़िया कनेक्ट होता है इस डिवाइस के अंदर, आप चेक करके देखना। और साथ ही साथ यहाँ पे आंसर फीचर्स आता है, सेपरेट द ईयरबड्स और आंसर कॉल्स। ठीक है, अगर आप ये दोनों ईयरबड्स को एक बार सेपरेट कर दोगे तो आंसर हो जाएगा, ये काफी बढ़िया है। और साथ में बटन सेटिंग्स के अंदर टैप करोगे तो यहाँ पर चार टाइप का बटन दे रहा है, जो अगर आपको सिंगल टैप बटन करोगे प्ले पॉज बटन, तो सिंपली आपको ये वाला बटन पे यूज करोगे तो यहाँ पर मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर टिप किया, टिप करने के बाद सिंगल टैप करोगे तो आपको म्यूजिक कौन सा कनेक्ट करना है, और डबल टैप करोगे तो नेक्स्ट ट्रैक है, और ट्रिपल टैप करोगे गेम मोड आता है, और टच एंड होल्ड ऑप्शन आता है तो वॉइस असिस्टेंट आ जा रहा है। तो इसके साथ आप और भी कई डिटेल देख सकते हो, जो डिवाइस स्विच ऑप्शन है इसको भी आप देख सकते हो ताकि आपको वॉइस असिस्टेंट बार बार ओपन ना हो। डीजे वायरलेस के अंदर ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, ये काफी बढ़िया फीचर्स है। अगर आप इसको यूज करना चाहो तो बड़े मजे से यूज कर पाओगे, क्योंकि ये जो फीचर्स है बहुत कम डिवाइस के अंदर देखने को मिलता है। बस ये था आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा नेवर साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।